जो आंसर्स क्या होने चाहिए राइट फाइन सो सो द फर्स्ट थिंग इज कितने क्वेश्चन आए राइट हंड्रेड ट्वेंटी क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन सो आई हैव जस्ट यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे गए हैं राइट right? अब यहाँ पे uh, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो है जोग्रफी uh, से राइट right? ज्योग्राफी से लाइक हंड्रेड एंड सॉरी नाइनटीन क्वेश्चन ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर है, है. का ये सारे क्वेश्चन हैं उसी के अकॉर्डिंग सेल बनाया गया है राइट right. ज्योग्राफी से नाइनटीन क्वेश्चन पूछे गए हैं फोर्टीन क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट हिस्ट्री से इलेवन uh, क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे मैंने टोटल भी लिख दिया ज्योग्राफी से नाइनटीन है एनवायरमेंट uh, से फोर्टीन है हिस्ट्री से इलेवन है देन पॉलिटी से सेवन है काफी कम है फिजिक्स से एटीन एंड केमिस्ट्री से भी एटीन है एंड बायोलॉजी से सिक्सटीन है तो आप समझ सकते हैं कि फिफ्टी टू क्वेश्चन सिर्फ साइंस सेक्शन से पूछे गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हंड्रेड ट्वेंटी क्वेश्चन है टोटल यानी कि सिक्सटी आउट ऑफ आउट ऑफ सिक्सटी फिफ्टी टू क्वेश्चन आर फ्रॉम ओनली साइंस आई मीन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सो फिफ्टी परसेंट काफी ज्यादा वेटेज है देन कम्स एन्वायरमेंट एंड जोग्राफी उसके बाद कुछ करंट uh, अफेयर्स है जो कि सिक्सटीन है जो पिछले बार से जाता है वो वीडियो था और उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो से uh, आप मोर देन टेन क्वेश्चन आप इजली टैकल कर सकते हैं सिर्फ एक वीडियो से for good thing for you guys also कि काफी कम एफर्ट डाल के भी करंट अफेयर्स काफी अच्छे से डील किया जा सकता था इन इकोनॉमी uh, से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एंड मिसलेनियस uh, से एक क्वेश्चन है जो या तो हम उसको साइंस में डाल सकते थे या इन्वायमेंट में डाल सकते थे पर फिर भी मैंने उसको एक uh, जस्ट मिसलेनियस में रख लिया है कि मुझे लग रहा था उसको कहाँ डाले तो इस तरीके से ये जो है वो जस्ट ब्रेकअप है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट ये सारे क्वेश्चन के सीरियल नंबर हैं जो मुझे इस, इस वीडियो को बनाने में मुझे हेल्प करेगा इसलिए मैंने ये बनाया है इसीलिए मैं यहाँ पे इसको जस्ट शेयर कर रहा हूँ राइट अब हम आते हैं जो फर्स्ट सेक्शन हम यहाँ पे लेने वाले हैं जिसका सोल्यूशन अभी देखेंगे दैट इज पॉलिटिक

यहाँ मैंने ये गाइड भी किया था कि कौन से चैप्टर्स हैं वो जो जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए उनमें से यही सारे चैप्टर्स थे लाइक फंडामेंटल राइट एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जबकि फंडामेंटल राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकिन फिर भी अगर नहीं पूछा गया तो फिर भी आप उसको तैयार कर सकते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हैं देन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलरेडी पूछे गए हैं यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है प्रियम्बल है प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट है राइट right? हाई uh, कोर्ट है इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नर हो गया प्रेसिडेंट हो गया आप इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसको गवर्नर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन वाले क्वेश्चन uh, uh, को गवर्नर की कैटेगरी में भी हम रख सकते हैं राइट right. अब ये सारे टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन मेजोरिटी क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं तो पूरी बुक जो लक्ष्मीकांत की आती है उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होता है आप उससे पिक एंड चूज करके स्मार्टली पढ़ सकते हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे हर साल ही सवाल पूछे जाते हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम हो राइट right? तो ये जस्ट ब्रेकअप था अब हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं और हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता था एग्जाम हॉल में और उनके आंसर्स क्या होने चाहिए राइट फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी ये सेट ए का सारे के सारे क्वेश्चन सेट ए से लिए गए हैं और ये सीरियल नंबर ट्वेंटी है

राइट right. लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कंट्री में कहीं पे टू टायर्स है कहीं पे फोर टायर्स भी हैं ऐसा ऐसा पर दिस इज नॉट राइट जब 1992 में सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट आता है राइट सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है राइट एंड सेक्शन इलेवन भी उसमें एड करता है सेक्शन ट्वेल्व भी एड करता है जो कि म्यूनिस्पैलिटी से रिलेटेड है राइट right? पंचायती राज जो है वो सेक्शन पार्ट नॉट सेक्शन पार्ट इलेवन में एड किया गया है राइट अब नाउ द थिंग इज कि इस 73rd अमेंडमेंट से पहले बहुत टाइप के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कंट्री के अंदर थे लाइक like फोर टायर टू टायर थ्री टायर लेकिन जब ये 73rd अमेंडमेंट आता है उसके बाद से पूरी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म कर दिया जाता है यानी होमोजेनाइज कर दिया जाता है कि देयर विल बी ओनली थ्री uh, टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और टू टायर की टू टायर की प्रोविजंस वहीं पे हैं जिस स्टेट की पॉपुलेशन बीस लाख से कम होगी अगर बीस लाख से कम है पॉपुलेशन किसी स्टेट की तो उनको थ्री टायर बनाने की जरूरत नहीं है वो टू टायर्स बना सकते हैं राइट तो जो सेकेंड ऑप्शन है द इंटरमीडिएट पंचायत स्टैंड बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट विच इज ट्रू पंचायत इन द स्टेट वे आर द पॉपुलेशन एवर ट्वेंटी लाख तो जहां पे बीस लाख से ज्यादा है वहां पे आप तीन टायर बनाएंगे अगर बीस लाख से कम है तो दो टायर से आपको बना के काम चलाना है कि आपको तीन सिस्टम uh, uh, बनाने ही होंगे पंचायत के। तो so, अब uh, right. uh, अगर सही लग रहा है तो उसके बाद हमारा ऑप्शन डी हो जाना चाहिए पर हम थर्ड में आएंगे थर्ड को देखते हैं अगर ऑल द सीट्स इन पंचायत शैल बी फिल्ड अब यहाँ पे जो प्रोविजन है वो ये कहता है ऑल द मेंबर्स है ना ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ द पंचायत इन इट सेल्फ ठीक है पर यहाँ पे ऑल द सीट्स है लेकिन चीज क्या होती है कि जैसे आप पंचायत में जो इलेक्शन होती है वो सारे के सारे सीट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पर उसके जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं जैसे इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बोर्ड होती है जो इंस्टीट्यूशन है उसके जो चेयरमैन होंगे ही और शी द पर्सन हु होल्ड प्लेस ऑफ द चेयरमैन विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि अगर यहाँ पे ये होता है कि ऑल देंबर्स ऑफ द पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड कु्रू पर यहाँ पे बोल रहे सीट उसमें चेयरमैन की सीट भी आ जाती है तो उस केस में इसको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि ऑप्शन जो है वो अगर हम इसको ऑल द मेंबर्स मान के चले तो वन टू थ्री होना चाहिए पर अगर हम ऑल द सीट्स मान के चले तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है उस केस में हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो की वन है जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन टू है वो करेक्ट है ऑप्शन ऑप्शन इज इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट राइट आल्सो पर अब देखते हैं यूपीएससी यूपीएससी को इसको कैसे काउंट करती है अगर उन्होंने ऑल द मेंबर्स इसको पढ़ लिया अगर उनका सेंस में अगर ऑल द मेंबर्स है तो ये इसका आंसर वो डी देंगे और अगर ऑल द सीट्स एग्जैक्टली जैसा उन्होंने लिखा है क्योंकि यूपीएससी कभी भी ऐसे प्ले नहीं करती गेम तो uh, यू की अगर वो ऑल द सीट्स मान के चलेंगे तो ऑब्वियसली जो चेयरमैन की सीट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है और उस केस में जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत से ही आ, ये सारे स्टेटमेंट्स जो है ये सारे पैराग्राफ्स जो है वो लिए हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं ओके okay, सो so यहाँ पे आ, यहाँ, यह, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ये यहाँ पे दिस इज पार्ट नॉट दिस इज नॉट पार्ट दिस इज शेड्यूल ये uh, गलत बोल गया दिस इज शेड्यूल शेड्यूल पार्ट में पंचायती इंस्टीट्यूशन है शेड्यूल में म्यूनिसपालिटीज हैं राइट एंड पार्ट नाइन में ये ऐड uh, किया गया है uh, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को राइट आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जी आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है आर्टिकल फोर्टी जो है वो डी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है एंड ये सारी चीजें

अगर हम ऑल द ऑल सीट्स की बात करें तो यहां पे ये गलत हो जाएगा तो इस तरीके से इसका आंसर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन uh, क्रिएट करेगा ठीक है ना लेट्स यूपीएससी क्या आंसर देती है अगर हम इसको सारे ऑप्शन देख करके अपने अकॉर्डिंग uh, चले तो ए होना चाहिए अगर इसको हम ऑल द मेंबर्स मान के चलें तो ये डी होना चाहिए तो ए एंड डी के बीच में से कुछ भी हो सकता है

ठीक है ना उसमें से जो इलेवेंथ है वो टू थाउजेंड टू में एड किया गया था अमेंडमेंट से अमेंडमेंट से राइट और उसके पहले दस फंडामेंटल राइट थे हमारे पास लेकिन ये सारे फंडामेंटल राइटी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं राइट अब ये हम चीजें यहाँ पे हमें देखनी है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन ये तो है

जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं राइट right? यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है आप इसको देख के कंफर्म uh, कर सकते हैं सो so, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ट्वेंटी थर्ड का आंसर है बी तो ओके मूविंग टू नेक्स्ट हम अगले सवाल पे आते हैं पिछे ट्वेंटी फोर्थ नाउ यहाँ पे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इज आर करेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात हो रही है क्योंकि रिसेंटली uh, हमारे नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं तो ऑब्वियसली इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है अब यहाँ पे क्या है जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें लोकसभा के मेंबर भी भाग लेते हैं वोट डालते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी वोट डालते हैं स्टेट असेंबलीस के मेंबर्स भी वोट डालते हैं पर यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है ठीक है ना इनके इलेक्शन में इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि वोट डालते हैं यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों वोट डालते हैं वाइस प्रेसिडेंट के केस में के राइट तो so, यानी कि यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा के सारे मेंबर्स वोट डालेंगे यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे मेंबर्स वोट डालेंगे लेकिन उनमें से वही लोग वोट डालेंगे जो इलेक्टेड है यानी जो इलेक्शन लड़के आए हैं जो नॉमिनेटेड है वो लोग वोट नहीं डालेंगे तो यहां द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्ट्रल कॉलेज इलेक्ट्रल कॉलेज यानी एक ग्रुप है लोगों का जो वोट डालते हैं In, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होती है वो इनडायरेक्ट होती है यानी यानी पब्लिक हम वाइस राज्यसभा के मेंबर्स के, uh, के, के, के लिए भी हम वोट नहीं डालते हैं ठीक है ना राज्यसभा के मेंबर्स भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं राइट right? सो so, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विच इज ट्रू क्योंकि लोग राज जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें जो वोटिंग होती है वो ज, जैसे एक राउंड हो गई वोटिंग सारे लोगों ने वोट डाल दिया और सपोज किसी को मेजोरिटी नहीं मिली क्योंकि जरूरी नहीं कि दो ही लोग वहां पे इलेक्शन लड़े दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं तो अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो जो सबसे पीछे वाले लोग होंगे जिनको सबसे कम वोट्स मिले होंगे उनको क्योंकि वहाँ पे प्रेफरेंस होती है कि आप जब आप वोट डालते हैं तो उसमें लिखना होता है कि आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन है सेकंड प्रेफरेंस में कौन है थर्ड में कौन है इस तरीके से लिखना होता है तो जिनकी प्रेफरेंस सबसे कम होगी उनको उनकी वोट्स को जिनकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होगी उनको दे दी जाती है और ये होता है ट्रांसफरेबल वोट जो आप वोट ट्रांसफर कर देते हैं जिनके जो सबसे कम लाइकली है जिनकी सिलेक्शन uh, uh, जो है इलेक्शन जो है सबसे कम लाइकली हो जाती है उनकी वोट्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है दिस इज ट्रांसफरेबल वोट सो विच इज ऑप्शन राइट इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ द लेजिस्टिव असेंब्लीस ऑफ यूनियन टेरेटरीज ऑफ डेली एंड पुडुचेरी टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो ट्रू की यहाँ पे नॉट ओनली स्टेट्स जिन uh, जैसे डेली एंड पुडुचेरी दो ऐसे यूनियन टेरेटरीज हैं जिनके अपनी लेजिस्टिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कि यहाँ पे दिखाया गया है और ये सारे के सारे जो सोर्सेज है वो लक्ष्मीकांत से लिए गए पॉलिटी के सारे सोर्सेज मैंने लक्ष्मीकांत से लिए हैं तो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरेटरीज ऑफ डेली एंड पुडुचेरी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ओनली इलेक्टेड में आपको ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर जो है वो वोट नहीं करते हैं ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग वोट करते हैं ठीक है तो स्टेट में जैसे बहुत सारे बहुत नहीं सेवन स्टेट्स ऐसे हैं जिनके लेजिस्लेटिव uh, काउंसिल भी हैं तो उनके जो मेंबर्स है दे डू नॉट वोट राइट तो इस केस में यहाँ दोनों सही है तो आंसर इसका सी हो जाएगा राइट right? देन uh, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा नेक्स्ट नाइनटी थ्री राइट अब uh, आते हैं हम नाइन्टी थ्री पे राइट नाइनटी थ्री में uh, यहाँ पे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन अब स्टेट इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल पूछा गया है इसलिए मैंने कहा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पे भी है पर ये साथ ही साथ गवर्नर का भी uh, के ऊपर भी ये क्वेश्चन माना जा सकता है तो क्योंकि इसका जो मैंने जो रेफरेंस लिया है वो गवर्नर वाले से लिया है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को मैं पहले बता दूं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो इलेक्शन है है उसके वो करवाती है। राइट और जो स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है एंड स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ही है स्टेट इलेक्शन कमीशन उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो क्या है इसमें क्या लिखा लेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर के थ्रू ठीक है ना गवर्नर इनको करते हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि नहीं आता वो अलग काम करता है। उनका फील्ड अलग है इसलिए वो इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट नहीं करता ये गवर्नर करते हैं तो पहला ऑप्शन इज ऑफ रॉन्ग दूसरा ऑप्शन क्या कहता है द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी ओनली इन द द सेम मैनर एज जज ऑफ हाई कोर्ट इज राइट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो उसके मेंबर्स हैं या फिर कमिश्नर है उनको तभी वो जो एक जज को हटाने के हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो भी प्रक्रिया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है जस्ट टू प्रोवाइड देम एनफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस की अपना काम वो बिना इंटरफेरेंस के कर सके क्योंकि अगर इजली अगर हटाया जा सके तो वो अपना काम जो है वो डर डर के करेंगे कहीं उनकी जॉब चली जाएगी तो जॉब का खतरा तो सबको रहता है तो इसलिए ताकि उनको एक इंडिपेंडेंस मिले फ्री फ्रीडम ऑफ माइंड मिले और वो अच्छे से काम कर सके इसलिए उनकी जो रिमूवल की जो जो भी प्रोसीजर है वो थोड़ी टफ बनाई गई है सो सेकंड इज राइट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग तो इसका आंसर बी हो जाएगा नाइनटी थ्री का राइट right? तो इसके लिए जो यहाँ पे ये यह मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट right?

फाइव इयर्स का पीरियड होता है और यहाँ पे अगर सपोज कोई इलेक्शन पंचायत है जो फोर इयर्स में डिसॉल्व हो गया है दोबारा जो पंचायत उसमें कॉन्स्टिट्यूट होगी वो रिमेनिंग वन ईयर के लिए ही होगी वो ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर फाइव ईयर्स ऐसा नहीं होगा राइट ये तो एक साल के लिए होगा और फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन कराई जाएगी राइट so these are the provisions जो आप यहाँ पे देख सकते हैं the act provides for a five year term of office of the panchayat पांच साल के इनके term होती है अगर it can be dissolved before the completion of its term further fresh election of them shall be completed before the expiry of the duration of five years अगर पांच साल पूरा नहीं हुआ है तो उसके पहले हम कराएंगे और अगर dissolution हो जाता है तो within six months आप उनको election आपको करवाना है anyhow आपको election करवा के दूसरा panchayat constituted किया जाएगा

उसमें भी प्रियम्बल से एक क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट क्वेशन क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे एक फंडामेंटल राइट right से आएगा एक फंडामेंटल ड्यूटी से आएगा प्रेसिडेंट से आएगा सुप्रीम कोर्ट से आएगा इलेक्शन कमीशन से आ सकता है सेम चैप्टर्स है वहां भी क्योंकि जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम्स अब यहाँ पे जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट है इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया है सेक्युलर जोड़ा गया है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जोड़ा गया है पर ये डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ये चीज नहीं जोड़ी गई है वहाँ पे दैट इज है तो यही पूछा है सो so, डी इसका आंसर हो जाएगा इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रियम्बल ही एड कर दिया है सॉरी प्रियम्बल से रिलेटेड जो जो प्रोविजन यहाँ पे आंसर के लिए हेल्पफुल uh, है वो मैंने यहाँ पे जोड़ा इट हैजिन बाई socialist थ्री न्यू integrity सोशलिस्ट है ना सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी इसमें डिग्निटी जैसी कोई चीज नहीं जोड़ी गई थी तो इसलिए इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा आप साथ साथ इसको मैच करके एन काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं राइट right? 96 है और आई थिंक ये लास्ट ही है इसका पॉलिटी का। यस, yes, पॉलिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल यानी इसको हम एजी कहते हैं इनका जो भी प्रोविजन है वो 76 में लिखा गया है टॉर्नी जनरल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं सॉ so, ये थोड़ा मोटा हो गया एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं अब एग्जीक्यूटिव में कौन आता है तो सबसे पहले ऊपर हो जाते हैं प्रेसिडेंट ठीक है ना उसके नीचे हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को हम अलग लगते हैं बिकॉज ही होल्ड्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा तो, है, है, uh, है तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो कि लॉयर होती है लॉयर होता है गवर्नमेंट का क्योंकि गवर्नमेंट को काफी लॉ से काफी डील करना पड़ता है तो इसलिए उनकी एक उनका एक अपना लॉयर होता है और वही होता है अटॉर्नी जनरल और उनके लिए ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाई गई है तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा हमें समझने वाली बात है जब प्रेसिडेंट के अंडर उसको काम करना है तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और यहाँ पे क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये देख के ही पता चल रहा है कि अगर आपको इतना पता है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है तो हमें इसे समझ में आ जाना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसका क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट भी चला जाता है ना कि एग्जीक्यूटिव के काम में जुडिशियरी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए और यही सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि जुडिशियरी अपने फील्ड में काम करे एग्जीक्यूटिव अपने फील्ड में काम करे एंड लेजिस्लेचर अपने फील्ड में काम करे एक दूसरे को ये इंटरफेयर ना करें uh, that, that और दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर और इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कौन सा इनमें से गलत है यानी कि कौन सा सही नहीं है

Uh, सुन सकते हैं बातें बोल सकते हैं वहां पर बोल सकते हैं पार्लियामेंट में उसके लिए उनको परमिशन है ही हैज अ राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट और अटेंड द अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट बट ओनली थिंग इज की वो वहां पर वोट नहीं कर सकते अगर कोई किसी बिल पर वहाँ पे वोटिंग चल रही है पार्लियामेंट के अंदर तो अटोर्नी जनरल वहाँ पे जाके वोट नहीं कर सकते बट ही कैन ऑल ही कैन ऑलवेज अटेंड द मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट अटोर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दट इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि वो का ही मेंबर है और प्रेसिडेंट के अंदर काम करना है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट को कभी भी हटा सकते हैं राइट तो ये तीनों ऑप्शन सही है और ये गलत था ऑप्शन ए इसलिए ऑप्शन ए शुड बी यहाँ पे यस yes, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर ठीक है तो थे और सेवन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बेस्ट uh, ऑफ uh, uh, I mean, my नॉलेज मैंने उसको ठीक ठीक उसके आंसर निकालने की कोशिश की है पूरा मैंने थोड़ा uh, रिसर्च करके और देख करके की कोई भी आंसर गलत ना हो Uh, मुझे कई सारे आंसर पे एक कई सारे मैंने सॉरी एक आंसर पे डाउट था जिसके लिए मैंने काफी ढूंढा और फाइनली आई एम सेटिस्फाइड कि उसका आंसर या तो ए वन होना चाहिए या डी होना चाहिए ए होना चाहिए डी होना चाहिए देखते हैं यूपीएससी किसके साथ जाती है क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट है जस्ट मैं यहाँ पे दिखा दू आपको जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था सॉरी uh, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसके साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो इसलिए या तो ए होना चाहिए डी होना चाहिए देखते हैं यूपीएससी इस पर क्या बात करती है और या फिर और भी लोग अगर किसी के पास इसके इस क्वेश्चन से रिलेटेड स्पेशली या फिर और भी क्वेश्चन जो आते हैं उनसे रिलेटेड अगर, अगर कोई क्लरिफिकेशन या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें बताएं आ, हमारे ग्रुप जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे अगर आप हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में है कहीं पे भी आप हैं तो ऐसे रिलेटेड अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन कोई भी क्वेरी uh, कुछ भी इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड प्लीज एक्सप्रेस देयर